हेलो फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं कि इस डस्की स्किन पे हमने कैसे इस मेकअप लुक को अचीव किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एज यूजुअल हमें CTM हमने कर लिया था ऑफ कैमरा, उसके बाद हमने इनकी आईब्रोज़ को सेट किया। आईब्रोज़ को सेट करने के लिए हमेशा आपको मिडल से स्टार्ट करना है और उसके बाद फ्रंट पे जाना है और उसके बाद आपने उसे स्पूली की हेल्प से कॉम करना है। उसके बाद यहाँ पे कंसीलर लगाया है ताकि इनकी आईज़ की सारी पिगमेंटेशन को हम हटा सकें और आपने अपनी आईब्रोज़ को या क्लाइंट की आईब्रोज़ को बहुत ही फाइन फिनिशिंग लुक देना है। उसके लिए आपको उसके साइड्स में ऊपर और नीचे कंसीलर लगाना है और उसे अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करना है, एज़ यू कैन सी इन द वीडियो। और उसके बाद हमने यहाँ उसे ट्रांसलूसेंट पाउडर से सेट करने के बाद इनका ट्रांजिशन शेड बनाया है कुछ रस्ट कलर से, और हमने इनका क्रीज को डिफाइन करने के लिए कुछ ऑरेंजिश रेडिश कलर लिया है और क्रीज और आउटर कॉर्नर पे ये कलर को प्लेस करते हुए हमने इसे अच्छे से ब्लेंड किया है। आपको अपनी सीमलेस ब्लेंडिंग रखनी है गाइज, मस्ट टेक केयर की सीमलेस ब्लेंडिंग इज द की ऑफ सक्सेसफुल मेकअप। देखो दोनों आईज में ब्लेंडिंग होने के बाद हमने यहाँ पे इनको यहाँ हाफ कट क्रीज का लुक दिया है। देखिए हमने कैसे कट क्रीज को काटा है और उसके बाद कंसीलर से उसे कंसीलर ब्रश की हेल्प से आप उसे कंसील कर दीजिए और अगेन ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से कोई भी एक्स्ट्रा कंसीलर है उसे सोक कर लेना। नाउ ब्यूटी ब्लेंडर से इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर को ब्लेंड करने के बाद यहाँ पे हमने उसे अगेन ट्रांसलूसेंट पाउडर से सेट किया है और यहाँ पे हमने गोल्डन शिमर इन्हें प्रोवाइड किया है क्योंकि इनके लहंगे में रेड के साथ गोल्डन कलर था, और बिल्कुल प्रिसाइज फ्लैट ब्रश से हमने इनके कॉर्नर्स को अच्छे से फिल कर दिया है। और क्योंकि हमारा आउटर भी हार्श स्टाइल है इसलिए हमने यहाँ पे उसको एक बार अच्छे से फिर से ब्लेंडिंग किया है और यहाँ पे हमने ग्लैम 21 का गोल्डन ग्लिटर डस्ट लेके और उसकी ग्लू लगा के हमने यहाँ पे उसके ग्लिटर को फ्लफी ब्रश से ब्लेंडिंग ब्रश से अप्लाई किया है कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं कितना ही शाइनी और ब्यूटीफुल आई मेकअप लग रहा है। अगेन उसके बाद हमने यहाँ पे इनको काजल दिया है आई लाइनर की फॉर्म में और अब हम उसे अच्छे से ब्लेंड कर देंगे, स्मज कर देंगे विद द हेल्प ऑफ आर स्मजिंग ब्रश। और इसके बाद हमने ब्लैक पाउडर लिया है, ब्लैक कलर से हम इसको अच्छे से स्मज कर लेंगे। दोनों साइड से स्मज करने के बाद अब हम यहाँ पे इनका जो भी एक्स्ट्रा फॉल आउट हुआ है उसे क्लीन कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे हमने मस्कारा एप्लीकेशन किया एंड देन यहाँ पे कलर बार के सिलिकॉन प्राइमर से इनके सारे पोर्स को फिल कर देंगे। प्राइमर लगाने के बाद गाइज हमेशा हमें 2 मिनट के लिए वेट करना चाहिए बिफोर अप्लाइंग आर फाउंडेशन। और यहाँ पे मैंने D30 का हमारा डर्मा का फाउंडेशन प्लस D62 मिक्स करके हमने यहाँ पे उनका एक शेड बनाया था और इसे एज अ करेक्टर हमने यूज़ किया है। एंड गाइज दिस इज अ टिप फॉर द डे, अगर आप अपने करेक्टर को लगाने के बाद उसे ट्रांसलूसेंट पाउडर से सिक्योर कर देंगे तो आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। यहाँ पे हमने D65 लिया है और इनके अच्छे से इनके पूरे फेस पे ब्लेंड कर दिया है एज यू कैन सी। एंड येस गाइज, नेवर मिस द ईयर पार्ट एंड नेक पार्ट, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो डिसकलरेशन लगेगी, फेस का कलर अलग लगेगा और नेक का कलर अलग लगेगा। सो मेक श्योर कि आप दोनों जगह यहाँ पे पाउडर फाउंडेशन को अप्लाई करें और ब्यूटी ब्लेंडर को स्मॉल ब्यूटी ब्लेंडर से आपको अपने नोज़ के अराउंड, आईज़ के अराउंड, अपनी लैफ लाइन पे अच्छे से ब्लेंड करना है। गाइज अगेन आई एम सेइंग दिस, ब्लेंडिंग इज़ द की, ब्लेंडिंग इज़ द मस्ट। उसके बाद यहाँ पे आप स्टिपलिंग ब्रश ले राउंड राउंड मोशन में आप उसे यूज़ करें। मैं इसको बहुत बार बता चुकी हूँ और इससे क्या होगा, जो भी आपका एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगा वो सारा इसके अंदर आ जाएगा। एंड वाटरप्रूफ मेकअप करने का जो हमारे पास ये सबसे अच्छा हैक है ये है, आप कोई भी स्प्रे बॉटल में आप नॉर्मल आरओ का पानी ले लीजिए और उसको आपने स्प्रे करना है और उसे 2-3 मिनट के लिए छोड़ देना है अपने फेस के ऊपर, और उसके बाद आप देखेंगे कि जो भी आपका बेस होगा वो बिल्कुल वाटरप्रूफ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमने आईलैशेस इनको लगा दी हैं और उसके बाद हम यहाँ पे इनको लिक्विड फाउंडेशन की हेल्प से इनके फेस पे एक हम सेकेंड लेयर अप्लाई करने जा रहे हैं डर्मा के बाद, जो हमने मेबलिन और PSC के फाउंडेशन को मिक्स किया है और यहाँ पे अब हमने इनको अच्छे से वो लेयर अप्लाई कर दिया है।
और अब क्योंकि हमने यहाँ वाटर स्प्रे कर दिया तो अभी हमारा पूरा बेस बिल्कुल वाटर प्रूफ हो चुका है। नाउ यहाँ पे अगेन मैं यहाँ पे सुप्रा का बेस यूज़ कर रही हूँ एज अ कंसीलर, और हमने अपने हाई पॉइंट्स पे लगाना है, ब्रिज ऑफ द नोज, अंडर आइज, अपर लिप्स, चिन एरिया पे, और उसे अच्छे से ब्लेंड कर देना है। एंड येस अगेन आपको एक और टिप देने जा रही हूँ, जो बहुत ज़्यादा समर्स होती हैं, हमारे इस क्लाइंट के बारे में बहुत ज़्यादा पसीना इसको आता था, तो आपको आईज़ और पूरे फेस को बेक करना है 4 to 3 minutes के लिए। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ आईज़ को बेक करना है या लाइफ लाइन को बेक करना है ताकि हमारा फाउंडेशन वहाँ से क्रीज ना हो, आपको पूरे फेस को बेक करना है और 2-3 minutes के लिए आपको इसे छोड़ देना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे काजल अप्लाई किया है और हमारे पास जो भी हमने ट्रांजिशन शेड दिया था वही कलर हमने इससे काजल को इनके स्मच कर दिया है। एज़ यू कैन सी कैसे हमने एक छोटे से पेंसिल ब्रश से इनके काजल को अच्छे से स्मच कर दिया है। इससे हमारी आईज़ बहुत ही ब्यूटीफुल लगती हैं और आपका काजल बिल्कुल भी नहीं फैलता। अगर ब्राइड्स रोती भी हैं तो भी उनके काजल बहता नहीं है, तो ये मस्ट हैव ट्राई है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपने इतना सारा जो भी लूज पाउडर अपने फेस पे अप्लाई किया है एज अ बेकिंग की टेक्निक के लिए, आपको इसे फ्लफी ब्रश की हेल्प से क्लीन कर देना है। देखिए जैसे मैं यहाँ पे क्लीन कर रही हूँ, और उसके बाद आपको क्या करना है, अगेन हमारा ब्लश ऑन कंटूर एंड हाइलाइटिंग ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अब हमने इनके फेस को 3D कंटूर ना करके नॉर्मल कंटूर किया है, क्योंकि इनके फेस का शेप ऑलरेडी बहुत अच्छा था, नोज़ को कंटूर किया है। हमें यहाँ पे चिन के ऊपर भी ज़्यादा वर्क करना नहीं पड़ा क्योंकि इनकी बहुत ही शार्प जॉ लाइन थी। अगेन आपको पाउडर कंटूर को अच्छे से ब्लेंड करना है स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से। एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने मेबलिन का ब्लश ऑन लिया है और उनको मेबलिन का ब्लश ऑन अप्लाई किया है ऑन द एप्पल ऑफ हर चीक्स। एंड देन हम यहाँ पे फॉरएवर 52 के हाइलाइटर से इनकी हाइलाइट्स को, इनके हाई पॉइंट्स को हाईलाइट कर देंगे। जो मैंने आपको दो टिप बताई है, सबसे पहले कि जब आप अपने फेस को करेक्ट करते हैं उसके बाद आपको लूज पाउडर लगाना है, और दूसरा जब हमने यहाँ पे डर्मा का फाउंडेशन लगाने के बाद हमने यहाँ पे वाटर स्प्रे किया है और उसे एयर ड्राई होने के बाद हमने नेक्स्ट स्टेप को किया है। और उसके बाद जो हम अपने फेस को बेक करते हैं तो अंडर आइज और कुछ लिमिटेड एरियाज को बेक किए बिना हम पूरे फेस को बेक करेंगे, ये मस्ट हैव टेक्निक है। उसके बाद अपने अपने आईब्रोज को हाईलाइट कर दिया हमने, एंड दिस इज़ द फाइनल लुक यू गाइज। अब यहाँ पे हमने बिंदी एप्लीकेशन कर दिया एंड हेयर इज द अनफिल्टर्ड लुक ऑफ दिस ब्राइड। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आई होप यू लाइक माई हैक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शो सम लव एंड शेयर इट टू एज मैनी पीपल एज यू कैन। Thank you so much guys, thank you.